हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की वोकेबलरी का सेट नंबर 20। तो आज हमारा सेट नंबर 20 होने वाला है। रोज़ की तरह हम इंग्लिश की वोकेबलरी के 5 वर्ड्स करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है स्पेक्टिकुलर। ठीक है, स्पेक्टिकुलर जो वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वेरी इम्प्रेसिव, मतलब बहुत, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, आप कहते हो कि देखते ही आपका मन उस चीज़ में मतलब अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, तो उसे कहते हैं हम स्पेक्टिकुलर। तो स्पेक्टिकुलर के सिनोनिम देखिए क्या क्या हो जाएंगे। स्प्लेंडिड हो जाएगा, सेंसेशनल हो जाएगा, स्ट्राइकिंग हो जाएगा। तीनों का मतलब होता है आपका जो मन को अट्रैक्ट करते ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों से आपका जो मन अट्रैक्ट होता है उसमें, उसे हम कहते हैं इम्प्रेसिव चीज़ें, और इन तीनों का मतलब होता है वेरी इम्प्रेसिव। बात करें तो एंटोनियम की, देखिए एंटोनियम में हमारे पास क्या क्या है, अनइम्प्रेसिव, ऐसी चीज़ जो आपको इम्प्रेस नहीं करती हो उसे है कहते हैं हम अनइम्प्रेसिव। सेकेंड वर्ड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है वर्ड, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्ड है हमारे पास मेडियोर। ठीक है, मेडियोर में जो सी है वो साइलेंट है, तो इसको आप पढ़ेंगे मेडियोर पढ़ेंगे, ये इसका मतलब होता है सामान्य, ऐसी चीज़ जो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हो, सिर्फ जनरल एक नॉर्मल चीज़ हो, तो उसे हम कहेंगे सामान्य, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मेडियोर। और ऑर्डिनरी का मतलब भी होता है सामान्य। तो स्पेक्टिकुलर के ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द स्पेशल इफ़ेक्ट वर क्वाइट स्पेक्टिकुलर। जो ये स्पेशल इफ़ेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्प्रेसिव है। तो स्पेक्टिकुलर वर्ड ध्यान रखना, वेरी इम्प्रेसिव। नेक्स्ट हमारे पास देखिए वर्ड है सटल। इसको हम सटल पढ़ेंगे, इसमें जो बी होता है ये साइलेंट होता है, तो आपको इसको प्रोनंसिएट नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है सटल, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है वेरी क्लेवर एंड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव। मतलब आप कोई चीज़ को अचीव करने के लिए एक इनडायरेक्ट वे अपना रहे हो, मतलब डायरेक्टली उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली वो चीज़ ले रहे हो, या फिर आप इसको दूसरा मतलब होता है वेरी क्लेवर यानी चालाक, तो हिंदी में इसे कहेंगे चतुराई या फिर कुशार्ग बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं देखिए क्या क्या हैं। फर्स्ट इसका सिनोनिम है कीन। कीन का मतलब होता है बहुत चालाक इंसान। सगेसियस हमने वर्ड पहले पढ़ा हुआ है और जिसका मतलब भी होता है चालाक। अगला है इसका सिनोनिम परसेप्टिव और एस्टियूट। दोनों ध्यान रखना क्योंकि ये जो चारों वर्ड हैं ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड हैं, तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की, तो देखिए एंटोनियम में क्या है, स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, जिसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, तो चालाक का जो उल्टा हो जाएगा वो बेवकूफ़ हो जाएगा। आगे है इडियोटिक, डम्ब और फुलिश। इन तीनों का मतलब भी होता है बिल्कुल मंद बुद्धि इंसान, जो बिल्कुल ही किसी बात को समझता नहीं हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, द जॉब रिक्वायर्ड अ सटल माइंड विच ही वॉज लैकिंग। इस जॉब के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ज़्यादा चालाक हो और एक कुशार्क बुद्धि वाला हो, जिसकी यहाँ पर क्या है, कमी है। यानी इस जॉब में हमें जो व्यक्ति चाहिए वो सब सटल माइंड वाला व्यक्ति चाहिए, भाई तेज बुद्धि वाला व्यक्ति चाहिए। तो सटल को ध्यान रखना, वेरी क्लेवर या फिर कुशार्क बुद्धि। आगे देखते हैं थर्ड वर्ड देखिए हमारे पास क्या है। थर्ड वर्ड है हमारे पास रेस्ट। रेस्ट जो वर्ड है वो एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन ग्रेस्प। मतलब आप किसी से कोई चीज़ को छीन रहे हो, उसने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक चीज़ पकड़ रखी है बहुत कस के और आपने उसे वो चीज़ छीन ली, तो उसे कहते हैं रेस्ट। तो हिंदी में इसका मतलब होता है छीन लेना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे देखिए, रेंच है, स्नैच हो गया, सीज हो गया, ग्रैब हो गया, इन सभी का मतलब होता है छीन लेना, और ये सारे इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं। अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स। एंटोनियम में देखिए हमारे पास क्या क्या है। गिव है, मतलब कोई चीज़ आप खुद से दे रहे हो। एक तरफ है आपने चीज़ छीनी है, मतलब आपने चीज़ ले ली। दूसरा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो चीज़ देना,
तो गिव हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, फर्निश हो जाएगा, इम्पार्ट हो जाएगा, इन सभी का मतलब होता है देना, गिव। तो ये सारे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है देखिए क्या है, ही रेस्ट द लेटर फ्रॉम माई ग्रेस्प, उसने मेरे जो पकड़ थी, जो मैंने अपने लेटर अपने हाथ में पकड़ा था, उसने वो लेटर मुझसे छीन लिया है। तो रेस्टेड का मतलब, यानी रेस्ट का मतलब जो कि एक वर्ब है, वर्ड, उसका मतलब होता है छीन लेना, तो ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं फोर्थ वर्ड क्या है आज का हमारा। फोर्थ वर्ड देखिए हमारे पास है रिमोन्स्ट्रेट। रिमोन्स्ट्रेट जो वर्ड है वो एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन अबाउट समथिंग और समबडी। आप किसी के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हो या फिर उसके अगेंस्ट आप बचाव कर रहे हो, मतलब विरोध कर रहे हो उसका, तो उसे हम कहेंगे रिमोन्स्ट्रेट। हिंदी में ध्यान रखना, विरोध करना किसी चीज़ का। इसके जो सिनोनियम्स हो जाएंगे वो है प्रोटेस्ट हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा, एक्सपोस्टुलेट हो जाएगा। एक्सपोस्टुलेट आप थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा न्यू वर्ड है। इन सभी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना। ओके, अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स। देखिए एंटोनियम में हमारे पास क्या क्या है, एक्सेप्ट मतलब आप कोई चीज़ को मान रहे हो, विरोध करने का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को मान लेना, तो एक्सेप्ट करना। एडमिट करने का मतलब भी होता है मान लेना। सपोर्ट यानी आप उस चीज़ को सहारा दे रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो, उल्टा उसको क्या कर रहे हो, सहारा दे रहे हो। एग्री करने का मतलब भी होता है मान लेना। तो ये सारे इसके क्या हैं, एंटोनियम हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। दे रिमोन्स्ट्रेटेड विद द ऑफिशियल अबाउट द डिसीज़न, उन्होंने इस डिसीज़न के बारे में ऑफिशियली इसका क्या किया है, विरोध किया है, वो इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो रिमोन्स्ट्रेट जो कि ये वर्ब है उसका मतलब ध्यान रखना, विरोध करना। आज का हम लास्ट वर्ड देखते हैं भाई, आज की इंग्लिश वोकेबलरी के सेट का लास्ट वर्ड क्या होने वाला है, जो कि हमारे पास है क्वेल। क्वेल जो वर्ड है वो एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग सच एज वायलेंट बिहेवियर और प्रोटेस्ट। भाई आप क्या कर रहे हो, किसी का बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसके बिहेवियर में गुस्सापन है, उसे आप क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, यानी उसे शांत कर रहे हो। तो हिंदी में इसका मीन्स हो जाएगा शांत करना। इसके सिनोनियम हो जाएंगे टर्मिनेट हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, पुट डाउन। ये सारे के सारों का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जो जिसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसे शांत करना। तो ये सारे इसके सिनोनियम हैं। एंटोनियम में देखिए हमारे पास क्या है, प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलवाना, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी को उस ऐसा चीज़ बोल रहे हो जिससे क्या होगा, उसे गुस्सा आ जाएगा, उसे कहते हैं प्रवोक। इंसाइट और एग्रेवेट का मतलब भी होता है किसी को गुस्सा दिलवाना, तो ये इसके क्या है, एंटोनियम है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक्स्ट्रा पुलिस वर कॉल्ड इन टू क्वेल द डिस्टर्बेंसेस, भाई एक्स्ट्रा पुलिस बुलवाई गई इस डिस्टर्बेंसेस को शांत करने के लिए, मतलब जो माहौल बना हुआ था, जो बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके का माहौल था, उसको शांत करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस बुलवाई गई। तो ये था हमारा आज का 5 वर्ड्स। आई होप सो इंग्लिश की वोकेबलरी आप सभी रोज कर रहे होंगे, अगर आप रोज कर रहे हैं तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगी एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।